हूँ भी उन्नी वोट पाऊंगे यार, घट से घट 50,000 तो उपर वोट पाऊंगे। देखो जे 37 सीटा 15 बंदे याद खड़ गए, 15 सीटा तो उही हार जानी उन्हें गल। उधर अकाली दल ने भी बहुत मरबा बड़ा नेता मरबा सिद्धू के मुकाबले खड़ा करता, हो सकता नुकसान भी हो जाए। और दूसरे का सगा भरा है लड़दा मरबा अपने बसी तो, बसी सीट भी हार जानी है, एक नहीं हारनी है। बाबूशाही देख रहे सारे का स्वागत है। हलका समराला पहुंचे असी जिथों अमरीक सिंह ढिल्लों जिहड़े 4 वारी इत्थों विधायक रहे ने, इस बार आजाद लड़ रहे ने, उन्हां नाल गलबात करांगे। ढिल्लों साहब 5 वारी इलैक्शनां लड़े हो, 4 वारी तुसीं MLA बने हो, इन्ना हाई सक्सैस रेट रहा कांग्रेस च रह के, इन्नी सेवा की पार्टी की, पर अज आजाद लड़ना पै रहा जी, सोचा सी कदे? देखो गल एक ने हाईकमान ने फैसला किया, उन्होंने किसी बाहरले बंदे नूं मतलब टिकट देती है गल, तो साढ़े सारे जिन्हें मुतबर बंदे सीगे सारे रल के फैसला किया भी आपां किसी पार्टी च नहीं जाना, आजाद उम्मीदवार के तौर पर फैसला किया और इस करके लड़ रहे हैं। और मैनू बड़ा लोगों ने सहयोग दिता, पूर्ण विश्वास है कि 20 तरीक नूं बहुत वड्डी गिणती वोटां पा के जिताउणगे। फाइट बड़ी टफ है जी, क्योंकि इतों श्रोमणी अकाली दल अपने कांग्रेस के नाल भी मुकाबला, आम आदमी पार्टी नाल भी मुकाबला है, संयुक्त समाज मोर्चा की अगवाई कर रहे बलबीर सिंह राजेवाल भी इस सीट तो लड़ रहे हैं, सो की लगता है कि लोग थोड़े जड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा वह फायदा मिलेगा जी? देखो मैं तकरीबन 25 साल तो इलाके की सेवा करदा, 4 बार बतौर MLA, 5 बार बतौर 5वीं बार इंचार्ज के तौर पर की है। तुसी देखो लोगों ने इन्ना कट्ठ और ये मतलब मैं पूर्ण विश्वास है कि मैं जो इलाके के काम किए हैं मेरे कामों के लोग मैं वोटा पा के फिर जिताऊंगे। लोग थोनों मौका देंगे जी, तो दोबारे कांग्रेस जाने का है कोई विचार या हुण नहीं वापस जाना उत्थे? देखो गल इस तरह, सब तो पहला तो आजाद उम्मीदवार का कोई एजेंडा नहीं हुंदा, जिहदी सरकार बनूगी उहदे नाल जावांगे, पर जिहड़ी पहल है वह कांग्रेस नूं देवांगे जी। ते इलाके दे की जड़े मसले किहड़े मानदे हो, इशूज की ने मेन मेन जड़े पहल दे आधार ते होने हल 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 होने चाहिए, तुहानूं मौका मिलिया तुसी पहला की करोगे समराले वास्ते? सब तो पहला तो मेन है समराले दा सीवरेज दा कम है, ये तकरीबन 3 महीनों के विच सिरे चढ़ जूगा, यह सब तो पहला अति जरूरी है। होर बाकी डिवेलपमेंट है जिहड़ी रूटीन दीआं ने गल उह तां हुंदीआं रहिंदीआं ने और होणगीआं भी, और जिस तरह का फिर मैं तुहानूं दस रहा जिहड़ी भी पार्टी का एजेंडा होगा उस लागू करावे। ढिल्लों साहब जिमें गल्लां चल रही ने कि इस बार पार्टियां बहुत ज़्यादा होण करके किसी की मेजोरिटी आउंदी नहीं दिखाई दे रही, सो इस दे अगर इस तरीके हुंदा तां जिहड़े थोड़े वर्गे जिन्हें भी आजाद उम्मीदवार जे जितणगे तां उन्हां दा असली मुल है जिहड़ा वह पऊगा, तुहानूं लगता है कि वैल्यू है जिहड़ी उदों ही पता लगनी है जे किसी नूं मेजोरिटी ना मिली? देखो गल इस तरह बई इस वेले अज दी जिहड़ी स्थिति है कोई क्लीयर नहीं है भी किस दे मेजोरिटी आऊगी, किसी को 15 सीटा किसी को 20 या 25, आजाद उम्मीदवार की वैल्यू उदों बनती पैंदी है जदों मतलब किसी की मेजोरिटी नहीं आती होंगी, हमेशा ही मतलब बेनीफिट मिलता। हो सकता मेरा टिकट इस करके पार्टी ने कट दिता होगा भी मैं तुहानूं मंत्री नहीं बना सके, हुण आजाद उम्मीदवार ते मंत्री बनने की संभावना हो सकती है। ते राजा गिल जी जिन्हां नूं टिकट मिली है जी, की लगता है कि जिहड़ियां थोड़ियां वोटां सी उधर जाणगियां जां तुहानूं फायदा मिलेगा उहनां दीआं वोटां तुसीं लै के जा सकदे? देखो उहदी तां पहली गल तां वोट ही कोई नहीं इत्थे, असीं 25 साल दे विच कांग्रेस दे नाल बहुत वर्कर जुड़े सीगे, बहुत लोक मतलब और वड्डे वड्डे अहुदेदार, हुण उह मैनूं छड्ड के भी चले गए ने जिहड़े साडे अहुदेदार सी, पर वर्कर कोई नहीं गया हैगा गल, फिर भी थोड़ा बहुत मरबा जो कांग्रेस पार्टी ने जुड़िया थी उसका असर तो जरूर पैंदा। पर जिस तरह का मैं सारा इलाका कवर हो गया, मैं इस गल का पूर्ण विश्वास है जो लीडर चले गए तो वर्कर कोई नहीं गया, जिस तरह मैं पहला 50-55,000 वोट पई थी हूँ भी उन्नी वोट पेगी, घट से घट 50,000 तो उपर वोट पेगी। ढिल्लों साहब जिस तरीके दे नाल तुसी कल्ले नहीं होर भी बहुत सारे कांग्रेस लीडर नाराज़ होए टिकटां दी वंड तो बाद, इस बार टिकटां दी वंड दे विच की लगता है दखल ज़्यादा की दी सी जिहदा करके जिहड़े थोड़े वर्गे सीनियर सीगे उन्हां दी है जिहड़ी उस तरह दे नाल जिहड़ी कदर नहीं कीती उन्होंने?
देखो गल इस तरह इस कारण करके ही तो मतलब कांग्रेस की मजोरिटी नहीं आ रही, नहीं तो बिल्कुल श्योर सीगा जिदन चन्नी साहब बने ने चीफ मिनिस्टर आम मतलब हैगा लोगों भी 111 दिन वधिया काम किए गल कांग्रेस दोबारा आ सकती है, लेकिन जी 80 सीटा सी पहलियाँ वो ठीक वंडिया गई ने, जिड़िया मगलियाँ 37 सीगियाँ सब पैसे लैके बेचतियाँ, इस करके कांग्रेस का ग्राफ है जरा बहुत डाउन आ गया। पर तुसी कहा कि 111 दिनों काम उन्होंने वधिया किए, फिर लगता कि दोबारा सीएम फेस बनाया तो वो चलते हैं लोग कांग्रेस को मौका दे सकते हैं इस बार भी। देखो जे 37 सीटा 15 बंदे याद खड़ गए, 15 सीटा तो उही हार जानी इनकी गल, और मतलब हूँ दूसरे उन्होंने सीएम का अनाउंसकरण करके पार्टी के भी है, उधर अकाली दल ने भी बहुत मतलब बड़ा नेता मतलब सिद्धू के मुकाबले खड़ा करता, हो सकता नुकसान भी हो जाए, और जिस तरह चन्नी साहब दो सीटा तो लड़ते हैं शायद मैनू ये लगता सी गल कि सर्वियां दे विच चमकौर साहब तो हारन करके इस करके भदौड़ चले गए, दूसरे उन्होंने सगा भरा है लड़दा मतलब अपने बसी तो बसी सीट भी हार जानी है, एक ने हारनी है गल, और आ जड़िया साड़िया टिकटा कट्टियां इन्हों का भी बाकी जड़िया है सीटा से बहुत असर पेगा, इस करके कांग्रेस पार्टी की मजोरिटी नहीं आती है। आखिरी सवाल जी, जे तुसी जित जाने हो विधायक बनते हो तो कांग्रेस थानू बुलाऊगी तो शर्त की रखोगे तुसी? शर्त समा दसूगा भी शर्त की रखांगे, गल इको शर्त होगी पहला मंत्री बनाओ फिर गल करांगे, बाकी होर कोई एदो शर्त घट होर की रखांगे गल। ठीक है जी, शुक्रिया जी। सो ये अमरीक सिंह ढिल्लों जी जिहड़े चार वारी विधायक रहे ने इस बार आजाद तौर पर लड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस वालों टिकट नहीं दिती गई है, रुपिंदर सिंह राजा गिल नूं टिकट दिती गई है, तो हुण चोण प्रचार आजाद उम्मीदवार के तौर पर अमरीक सिंह ढिल्लों लगातार कर रहे हैं, देखने वाली गल होगी कि समराले के लोग इन्हां नूं दोबारा पंजवीं वार मौका देंदे ने या नहीं। समराला तो कैमरामैन आकाशदीप दे नाल हर्षबाब सिंह सिद्धू, बाबू शाही टाइम्स।